और बड़ी खबर आपको फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग जी हाँ बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे बोर्ड के सचिव ने 3 नए नियम लागू कर दिए। ये नियम बहुत ही बड़े हैं, तो क्या कुछ नियम निकल के सामने आ रहे हैं, चलिए सब कुछ एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें रिजल्ट की तारीखों का ऐलान हो चुका है। रिजल्ट को लेकर आचार संहिता लागू होनी थी जिसके लिए चुनाव आयोग से इजाजत मांगी गई। जैसे ही चुनाव आयोग से इजाजत मिल जाती है लाखों छात्र जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें इस बार की बोर्ड परीक्षा में लगभग 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था। करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं भी छोड़ दी थी। दसवीं और बारहवीं को मिलाकर दसवीं के 25 लाख और इंटरमीडिएट के करीब 22 लाख बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी थी जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई सारे नियम लागू किए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ज्यादातर सभी राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं हो गई है। जिन भी राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं रह गई है उनको भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने राज्यों की परीक्षाएं जल्द से जल्द करवा लें क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो जाएगी और इस बार रिजल्ट आपका आचार संहिता से पहले आएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं और अप्रैल माह में चुनाव प्रक्रिया होनी है। इससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट को लेकर 252 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं कि कॉपियों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो और तकनीकी सभी चीजों को अंदर ले जाना सख्त मना है। तो सबसे पहले हम बात करें बोर्ड की कॉपियों पे नंबर किस प्रकार से मिल रहे हैं, ठीक है, किन परीक्षार्थियों को टॉपर बनाया जा रहा है। चूंकि अभी खबर आई थी कि टॉपर्स का वेरिफिकेशन का काम भी समाप्त हो चुका है। जो भी परीक्षार्थी टॉपर बन रहे हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और टॉपर वेरिफिकेशन का काम भी समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं आप कुछ परीक्षार्थी क्या कर रहे थे, अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे पैसे लगा रहे थे। लाइव दिखाया जा रहा है कि पैसे के रखने पर बच्चों को नंबर दिए जा रहे कि नहीं दिए जा रहे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझिए कि भाई एग्जामिनर होता है उसको एक बंडल कॉपी चेक करने के लिए दी गई, पर कॉपी 8 से 10 रुपए मिल रहा है। तो सोचिए अगर जिन परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा और वो पैसे के बेस पे केवल नंबर चाहते तो भाई उनको कोई भी कैसे देगा। क्योंकि होता क्या है कि भाई 8 से 10 रुपए मिलते हैं तो टीचर भी यही काम करता है कि लाइन में किसी क्वेश्चन को नहीं देखता, ठीक है, ऊपर की लाइन पढ़ता है, नीचे की लाइन पढ़ता है और चेक करता चला जाता है। अगर आपने शुरुआत के 2-3 पेज बहुत ही अच्छी तरह से लिखे तो लास्ट तक वो आपकी कॉपी वैसे ही चेक करता चला जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा और वो सोच रहे हैं कि पैसे के बेस पे खाली नंबर मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। टीचर पैसा भी रख लेगा, नंबर भी आपको नहीं